दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, मैंने ऊपर सर्च किया वाइल्ड एनिमल अटैक्स और जो व्यूज है, जो चैनल्स है उसमें पर्सनल चैनल्स भी हैं और यहां पे आप देख सकते हैं 5.2 मिलियन। और मैं नीचे चला जाता हूं, इसमें जो व्यूज है बहुत ज़्यादा, 1.2 मिलियन, मिलियंस में व्यूज है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आप वाइल्ड एनिमल्स के जो वीडियोज है उसको कैसे अपलोड करेंगे, क्या सही तरीका है। सिर्फ आपको कॉपी कर लेना और अपलोड कर देना है, उससे क्या चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सही तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि आप वाइल्ड एनिमल्स के वीडियोस को, अटैक को ले सके, अपलोड कर सके और उससे मनी अर्न कर सके। तो आज के वीडियो में मैं बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में, शुरू से अंत तक देखें, प्रैक्टिकली सीखें, इंप्लीमेंट करें और मनी अर्न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज विजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल सैम सॉल्व्स लर्न बिफोर इंप्लीमेंट। तो आज के वीडियो में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट नीश, जी हां, जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब पे, उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं जरूर सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन चला गया मैं कौन सा नया वीडियो डाला है मनी अर्निंग से रिलेटेड। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारा 3 डे का एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कैसे एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करता है, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे कैंपेन तैयार करना है, कैसे ट्रैफिक लाना है, कैसे सेल्स जनरेट करना और कैसे मनी अर्न करना है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, फायदा उठा रहे हैं, सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं और मनी अर्न कर रहे हैं। तो आप इसको भूले नहीं, लिंक नीचे, आज ही ज्वाइन करें 3 डे वर्कशॉप। जी हाँ, 3 डे वर्कशॉप एफिलिएट मार्केटिंग का बिल्कुल फ्री है, इसको ज्वाइन करें और सक्सेस हासिल करें। तो चलिए अब मैं लैपटॉप पे जाता हूं और आपको बताता हूं कैसे उस नीश में आपको काम करना है, कैसे आपको वीडियोस लेने हैं, बनाने हैं और कैसे अपलोड करना है ताकि आप कॉपीराइट फ्री वीडियो से अर्न कर सके। तो चलिए इसको सीखते हैं। दोस्तों अब मैं लैपटॉप पे हूं और मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखा, यहां पे एनालाइज किया, सब लोग डायरेक्ट वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। बट अगर आप डायरेक्ट वीडियो पोस्ट करते हैं, उनका जो साउंड है उसको यूज करते हैं, उनका जो म्यूजिक है उसको यूज करते हैं, तो कॉपीराइट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस जिन्होंने शूट किया है उनका वो कॉपीराइट है। और ये बड़े बड़े जो चैनल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं उनका ये वीडियो होता है, तो इस पर आप कैसे एडिट करेंगे, क्या करेंगे ताकि आपके पास कॉपीराइट क्लेम ना आए, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने सर्च किया तो बहुत सारे मुझे आप यहाँ पे वीडियोस मिले हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि आप रीयूज कंटेंट, जी हाँ, ये कंटेंट आपका नहीं, आपको रीयूज करना है। और उसमें जब तक आप कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उसको क्रिएटिव नहीं बनाते हैं, तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो उसको आप कैसे क्रिएटिव बनाएंगे ताकि वो आपका हो जाए। तो यहां पे जब मैं नीचे जाता हूं तो उसमें एक चैनल मुझे मिलता है जो कि बिल्कुल यूनिक है, उसने बहुत अच्छे से इस चीज को यूज किया है, एडिट किया है और वो जो वीडियो है वो उसका पर्सनल वीडियो, उसको आप कह सकते हैं, उस तरह से उसने अपना बना लिया है और वो कभी भी कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, चलिए उसको समझते हैं। यहां पे जब मैं नीचे जाता हूं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा चैनल है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, अब तक की सबसे दर्दनाक मौत। और ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे वीडियो बनाते हैं और जो चैनल का नाम है वो आप यहां देख सकते हैं, उसको मैंने खोल लिया है, ये देखिए ये चैनल है। और ये पिछले सिर्फ 9 महीने से, जी हाँ, पिछले 9 महीने से ये रेगुलर है और एनिमल्स वीडियोस डाल रहे हैं, उसके पहले इनके चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियो नहीं था। बट ये 9 महीने से यहाँ पे लगातार ये इस तरह से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और 9 महीने के अंदर ही आप देख सकते हैं 4 लाख इनका जो सब्सक्राइबर है बेस हो चुका है। और दूसरी चीज ये देखिए, जो व्यूज है अभी के टाइम में, 2 दिन पहले डाला है 41K, 35K, 6 दिन जो पहले डाला है 4 लाख व्यूज है, ठीक है। और जो लेंथ है आप देख सकते हैं, 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट, मैक्सिमम वही 8 से 10 मिनट होता है। और सबसे बड़ी बात जो इनका थंबनेल है वो भी आप देखें, ये जो जंगली कुत्तों के सबसे दर्दनाक हमले, ठीक है, इस तरह से ये टाइटल दे रहे हैं। और जो थंबनेल आप देख सकते हैं, कुत्ते भी लाइक, चलो भाई देखो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कैची लाइंस है, ठीक है, ये जो क्रिएटिवनेस ये ला रहे हैं थंबनेल में, जो कैची लाइंस डाल रहे हैं जिससे लोग की अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको क्लिक कर रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट बढ़ रहा है और व्यूज तो एनिमल्स वाले वीडियो में बहुत ज्यादा आते ही हैं, तो इनका जो रीच है बहुत ज्यादा हो रहा है और व्यूज भी उससे ज्यादा आ रहा है, वॉच टाइम आ रहा है, जिसके कारण ये अर्निंग कर पा रहे हैं। अगर मैं इसके वीडियोस को ओपन करके आपको दिखा दूं, चलिए मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, आप ये समझ चुके होंगे किस तरह से आपको करना है। आप यहां पे इस तरह का थंबनेल बनाएंगे,
आप यहां पे पहले इन्होंने हिंदी में टाइटल दिया, उसके बाद इंग्लिश में टाइटल दिया। चलिए जी, इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूं। और यहां पे एड्स आ रहे हैं, ये चैनल मोनेटाइज है, ठीक है, क्योंकि ये जिस तरह से एडिट कर रहे हैं वहां पे ये अपना वॉइस ओवर दे रहे हैं। जी हाँ, बिना वॉइस ओवर के अपलोड नहीं करते हैं, और वॉइस ओवर ही बहुत ही अच्छे तरीके से ये दे रहे हैं। ये देखिए, ये ऐड आ रहा है, इसको मैं स्किप कर देता हूं, स्किप, और आप इसको सुनिए, ठीक है। ये देखिए, आई होप कि आपने देखा होगा और सुना होगा कि किस तरह का वॉइस ओवर ये दे रहे हैं। पूरा कमेंट्री कर रहे हैं कि इस शॉट में क्या हो रहा है, इस क्लिप में क्या हो रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर ये एडिट भी कर रहे हैं। पूरा इंग्लिश में वो वर्ड टू वर्ड एडिट करके डाल रहे हैं। चलिए, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, और फिर बाद में देखता हूं कि ये जो वर्ड शुरू में आ रहे हैं ये बाद में आते हैं या नहीं आते हैं। वो जो वर्ड आ रहे थे वो शुरू में ही आता है, ओपनिंग में ही वो डालते हैं, और पूरा वीडियो ऐसे ही चलता है। ये वीडियो को अलग अलग वीडियो को कनेक्ट करके ये कमेंट्री कर रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे अपना, चलिए ये ऐड में हटा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना ब्रांडिंग किया हुआ है। वो आप जिस भी चैनल को अपना नाम रखते हैं उसका ब्रांडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये हिंदी में इन्होंने लिखा है, जंगली कुत्तों से सबसे दर्दनाक हमले, और वाइल्ड डॉग हंटिंग एंड ईटिंग देयर प्रे अलाइव, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइटल देना है। और जब हम नीचे जाते हैं, आप यहाँ पे थंबनेल देख सकते हैं, थंबनेल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, कुत्ते भी लाइक, चलो भाई देखो अब हम क्या करते हैं। ओके, इस तरह का थंबनेल आपको बनाना है, और ये कैची लाइंस आपको देने हैं, तभी आप इस पे अच्छे से विजिटर्स ला पाएंगे, आपका जो रीच है वो बढ़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थंबनेल। और जब मैं नीचे जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में पूरा दे रखा है कि किस तरह का ये वीडियो बताया है, और नीचे उन्होंने ऑल इमेज एंड क्लिप्स वर फेयरली यूज ड्यूरिंग द मेकिंग वीडियो एजुकेशनल पर्पस, उन्होंने अपना दे रखा है। अगर आपको हटाना है तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कॉपीराइट डिस्क्लेमर भी दे रखा है, तो ये आप देख लें और इस तरह से आप करें, ठीक है। और जब मैं टैग्स में जाता हूं, तो टैग्स में भी आप देख सकते हैं, वाइल्ड डॉग अटैक एनिमल्स, तो जिससे रिलेटेड ये वीडियो है, डॉग से रिलेटेड, उस तरह का टैग दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आप अब समझ चुके हो कि कैसे आपको वाइल्ड एनिमल्स के वीडियो डालने हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आपको वॉइस ओवर देना है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएंगे जहाँ मैंने सर्च किया था, ये आपका मान लीजिए आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इस क्लिप को, ये 3 मिनट का क्लिप है, इस पर आप वॉइस ओवर देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले आप डाउनलोड करने के लिए इसका जो लिंक है उसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी लिंक, और जाएंगे Y2Mate पे, ठीक है, Y2Mate.com, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, और मैं इसको आप SD में कर सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको वॉइस ओवर देना है, तो आप अपने मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है, यहाँ ने लिखा है वाइल्ड एनिमल अटैक पेट्स क्रोकोडाइल अटैक, और यहाँ पे दिख रहा है पुअर कैट, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये कैट, जो कि बहुत ही असमंजस की स्थिति में फंसा है, इस भेड़िए से बच पाता है, यानी यही अटैक में मारा जाता है, आज पूरा हम देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और आगे आप इसको कंटिन्यू करें कि ये भेड़िया देखिए कहां से छुपते छुपते आ रहा है, और ये कैट जो वहां बैठी है, अब ये बच पाएगी नहीं बच पाएगी। देखिए भेड़िया आ चुका है और ये कैट भाग रही है। इस तरह से आपको पूरा एक नैरेटिव तैयार करना है, पहले वीडियो को देख लें, वो रिकॉर्ड कर लें वॉइस ओवर, और इसको फिर एडिट कर लें। एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिट करने के लिए आपको फिल्मोरा या फिर मैं जो फ्री आपको सॉफ्टवेयर देता हूं उस पर आप चले जाएं, और चलिए मैं दिखा देता हूं आपको कैसे एडिट करना है। यहां पे आप इसको इंपोर्ट कर लें, आपने जिसको डाउनलोड किया है, ठीक है, उसको आप नीचे ले आएं, और यहां से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि इसका जो साउंड है, ठीक है, उसको आप वॉल्यूम को ज़ीरो कर दें, इसका साउंड हमें नहीं चाहिए, और इसका जो आपका स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हैं, स्पीड को आप 1.2 कर दें, ठीक है। दूसरी चीज, इसका कलर जो कम्बिनेशन है, आप इसका यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे और इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ऑटो इन्हांस कर सकते हैं, या फिर और भी जो इफेक्ट्स है वो डाल सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ठीक है, या ब्यूटीफुल मेमोरीज, बहुत सारे इफेक्ट्स आपके पास हैं वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नीचे आपने वॉइस ओवर दिया है उसको आप ले आए, तो फिर से आप मीडिया में जाएंगे, इंपोर्ट,
इंपोर्ट मीडिया फाइल, और मैं म्यूजिक ला रहा हूँ, आपको वहाँ पे वॉइस ओवर लाना है, ठीक है। इस तरह से आप दे देंगे और आप इसको प्ले करेंगे। इस म्यूजिक को आप कम कर सकते हैं, वॉइस ओवर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको आप प्ले करके देख लें, ये देखिए इस पर आपका वॉइस ओवर पूरा रहेगा। देखिए बचने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर आप वॉइस ओवर बहुत अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। और आप आगे जाएंगे, आपको जिस जिस चीज़ का देखना है, जो जो भी क्लिप्स आ रहा है उसको आप देखें, उस पर वॉइस ओवर दें और आप अपना ब्रांडिंग कर लें। यहाँ पे आप अपना लोगो डाल दें। और दूसरी चीज़ है जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा है, उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे टाइटल में, टाइटल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप ले आएं और यहाँ पे लिखें बिल, इसको आप बढ़ा दें, इनलार्ज कर दें, ये देखिए 250 हो गया। इसको चाहे तो आप और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है बिल। अब इसके बाद जब आपका पहला लेटर ख़त्म हो जाए तो आप उसको जल्दी से हटाना चाहते हैं, एक यहाँ से आप देख लें जैसे कि ये ख़त्म हुआ, और इसको आप कट करके हटा दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दें विल, इसको कट कर दें और इसको आप सेलेक्ट कर लें दूसरे वाले को। यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिस, तीसरे में लिख दूंगा, कट कर दूंगा, तीसरे को सेलेक्ट कर लूंगा कैच, चौथे को सेलेक्ट कर लूंगा सर्वाइव, और इसको कट कर दूंगा 20 से, और पांचवे को सेलेक्ट करके लिखूंगा टुडे, ठीक है। तो आप इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरह से बिल दिस, आप इसको और छोटा रख सकते हैं तो जल्दी जल्दी आएगा सर्वाइव टुडे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एडिट करेंगे अपना वॉइस ओवर के साथ, म्यूजिक के साथ, और जो जो करना था वो मैंने बता दिया है। तो इस तरह से आपका यूनिक हो जाएगा। आप इसको एक्सपोर्ट कर लें, रेंडर कर लें और इसको अपलोड कर दें। और अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया है, आपको इस तरह का थंबनेल बनाना है बिल्कुल, और बहुत ही यूनिक कैची लाइन आपको इस तरह से देना है। आप जब जाएंगे यहाँ पे, आप सारे थंबनेल्स में वैसे ही देखेंगे, ऊपर में कैची लाइंस है, भालू को ऐसे देख भेड़िया क्यों डरकर भागते हैं, ठीक है, जंगल में ना जाने किसकी नज़र लग गई, ओके। और उसके साथ साथ आपको जो टाइटल देना है हिंदी में देना है और इंग्लिश दोनों में देना है, इस तरह से आपको कॉपीराइट देना है और नीचे टैक्स देने हैं, बस इतना करना है। चलिए अब इस चैनल की रेवेन्यू की बात कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.48 मिलियन व्यूज है लास्ट 30 डेज में, और अर्निंग अगर आप मिनिमम ही मान के चले तो $2,000, मतलब कि 1.5 लाख रुपए है, और मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा है, $30,000 है, तो रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है और आप इस पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर दिन का +1K सब्सक्राइबर का इंक्रीज है, ठीक है। और यहाँ पे आप जब नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं मंथली गेन वीडियोज़, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेन है, और ये जुलाई से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो इस पर आप काम करें और इस तरह से आप वाइल्ड एनिमल्स का वीडियो अपलोड करेंगे, बिल्कुल यूनिक हो जाएगा, आपका कंटेंट रहेगा और मोनेटाइज करेंगे और पैसे अर्न करेंगे विदाउट कॉपीराइट। दोस्तों आई होप कि जो भी मैंने बताया है, समझाया है, सिखाया है, उसको आपने देखा होगा और इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, कोई भी सवाल हो आप वहां पे पूछें। और हमारा इंस्टाग्राम same.stalls, हमसे इंटरेक्ट करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और जैसा कि मैंने पहले बताया 3 डे का वर्कशॉप एफिलिएट मार्केटिंग का बिल्कुल फ्री है, सभी लोगों ने ज्वाइन किया, उसका फायदा उठा रहे हैं और उसको सीख रहे हैं, लिंक नीचे दे दिया है, आज ही ज्वाइन करें। और उसके अलावा 5 डे का वर्कशॉप किसका, डिजिटल मार्केटिंग का, जी हाँ डिजिटल मार्केटिंग आने वाला समय है, उसको आप मिस नहीं कर सकते, चाहे वो फ्रेशर हो, बिगनर हो, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आपको फ्यूचर में एक अच्छी जॉब चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो उसमें इंक्रीमेंट चाहिए, आप घर बैठे इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सभी चीजों के लिए एक ही सॉल्यूशन है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, आप उसको सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और मनी अर्न करेंगे या फिर जॉब की तरफ जा सकते हैं। उसका 5 डे का फ्री डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप लिंक नीचे है, बहुत ही डिटेल वर्कशॉप है, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, फायदा उठा रहे हैं, सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो आप पीछे ना रहें, लिंक नीचे है, आज ही ज्वाइन करें। और अगर आप दोनों वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप दोनों कर सकते हैं, बट पहले डिजिटल मार्केटिंग खत्म करें, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग
आगे बढ़े, तो आई होप कि आप दोनों ज्वाइन करेंगे और फायदा उठाएंगे और अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को मैं विराम देता हूं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में जिसमें आपको सिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है नए नए तरीकों से। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।